जय भोलेनाथ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पिछले 14 सालों से लगातार आप लोगों के लिए आपके सपनों का घर बना रही है। तो आज मैं आपको एक ऐसी फैमिली से मिलवाने ले जा रहा हूं जिसे हमने एक साल पहले घर दिया था। तो जानते हैं दोस्तों उनका क्या फीडबैक है, जानते हैं, बात करते हैं और देखते हैं कि गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के बारे में और जो घर उन्होंने लिया है उसके बारे में एक साल के बाद उनकी क्या राय है। तो चलिए आज मैं आपको लेकर चलता हूं हमारे एक क्लाइंट पुनीत चोपड़ा जी के घर पर। ये हमारी वो बिल्डिंग है जिसमें हमने एक साल पहले पोजीशंस दी हैं। B11 मनसाराम पार्क, आप देख सकते हैं काफी अच्छी लोकेशन है और काफी अच्छी बिल्डिंग है। बिल्डिंग एक साल के बाद भी ऐसी है जैसे आज ही बनी हो। ये दोस्तों पार्किंग है, इसकी वीडियो मैंने ऑलमोस्ट एक साल पहले बनाई थी, अप्रोक्स एक साल पहले, और आप देख सकते हैं एक साल के बाद भी आपकी बिल्डिंग कैसी है, कितनी मेंटेन्ड है और कितनी शानदार है। हालांकि जो रहने वाले लोग हैं उन पर भी डिपेंड करता है कि वो बिल्डिंग को कैसे रखते हैं, लेकिन जो काम की क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आज भी बिल्डिंग बिल्कुल ऐसी है जैसे आज ही बनी है। इस तरफ मोटर का सेक्शन है, सबकी मोटर्स यहाँ लगी हुई हैं, लिफ्ट है, वर्किंग है। काफ़ी लोगों की, दोस्तों की क्वेरी रहती है कि एक साल के बाद या उसके बाद भी पता नहीं कैसे काम करेगी या नहीं करेगी। तो आप देख सकते हैं आपके बिल्कुल सामने लिफ्ट प्रॉपरली वर्किंग है। आंटी जी नमस्कार, जय भोलेनाथ। कैसे आंटी जी, आना हो ही गया आपके घर पे है। थैंक यू सो मच, बड़े अच्छे से आपने घर रखा हुआ है। ये आपके लिए। थैंक यू, मैं आपको देखो। मैं आज, मुझे लगा कि मैं थोड़ा एक छोटा सा ना रिव्यू ले लेते हैं मांटी जी से, क्योंकि आप काफी मुझे नहीं, बिल्कुल अपना घर है, आप भी बिल्कुल अपने ही हो। मेरा क्या था ना कि आज मैं सोच रहा था कि कुछ अपने पुराने जिनको हमने घर दिया है उनसे मिल के आऊं मैं, है ना, और एक विजिट होगी भी कैसा घर उनको लग रहा है। बहुत अच्छा मिला, बहुत सुख सुविधाएं हैं, गुरु महादेव का बना हुआ ऑफिस है, आप निश्चिंत रहो, इस पर कोई नजर नहीं लग सकती है। नहीं, नहीं। ऑफिस की जो भी आता है कोई तारीफ करके जाता है, बहुत अच्छा बनाया है। थैंक यू सो मच। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आंटी, आपका ठीक रहा गुरु महादेव के साथ? बहुत अच्छा रहा बेटा, अच्छा नहीं, अच्छा तो बहुत छोटा सा शब्द है, मैं तो कहूंगी बहुत ही अच्छा। मेरे पास तो जो भी मिलने आता है मैं तो आप ही का रेफरेंस देती हूँ, क्योंकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम। आंटी जी के बारे में बताता हूँ, कानपुर से आप आए थे? हाँ जी, कानपुर, कानपुर से आंटी जी और उनके बेटे पुनीत चोपड़ा जी आए थे और मुझे ध्यान है ट्रेन से आए थे, और आने के बाद आंटी ने मुझे कहा था कि आप तीन चार घर आप ही सिलेक्ट करके मुझे बता दो, बस मेरे को तो है ना, ज्यादा घूमना मुझे नहीं है। तो मैंने जो घर ऑप्शंस बताए आंटी जी को, उनमें से ही एक ही ऑप्शन आंटी ने चूज किया और हमने जो बेस्ट डील हम दे सकते थे आंटी जी को दी, और आज ऑलमोस्ट एक साल हो गया आंटी, है ना, ऑलमोस्ट एक साल हो चुका है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज अपने घर में आंटी जी, मतलब गुरु महादेव रियल एस्टेट के बनाए हुए इस घर में आंटी जी खुश हैं, पूरे परिवार खुश हैं। हाँ, लाइट से ग्रो जी, एक बार थोड़ा सा घर का भी दिखाओ कि भी शिफ्ट करने के बाद कैसे, बस यहीं से दिखाता हूँ। नहीं नहीं, अंदर पूरे रूम में जाइए ना, और कैसी बात है, आपका घर है, मैं पूरे रूम में जाइए, सबको भी अच्छा लगेगा। प्रॉपर एडजस्टमेंट हो गया आंटी? हाँ जी बेटा, बहुत अच्छे से, अच्छे से, बहुत अच्छे से, कोई परेशानी नहीं हुई बेटा, बहुत अच्छे से। पुरी जी कहाँ है? हाँ जी, अरे कॉल पे है, कॉल पे, अरे फोन पे, आ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, आओ ना, आ जाओ, हमारी पुनीत जी हैं और मुझे भी कॉल पे थे तो डिस्टर्ब कर दिया आपने, मेरे ख्याल से ऐसे कर पुणे में। थोड़ा सा एक रिव्यू चाहिए आपसे, हम लोग यूट्यूब वीडियोस के लिए बना रहे हैं कि आपने ऐसे ऑलमोस्ट एक साल हो गया घर पर ना, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा गुरु महादेव रियल एस्टेट के साथ आपका? तो जो भी था एक्सपीरियंस वो मोर और लेस सब अच्छा था, एंड उसमें
कुछ ऐसा कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं है जो भी ट्रांजिशनिंग रहा है, क्योंकि हम कानपुर से आए थे, न्यू स्टेट था हमारे लिए ये, तो जो भी रहा वेलकमिंग एंड जिस हिसाब से गाइडेंस मिला वो सब अच्छा था. एंड लाइक पोस्ट सेल्स भी जो सपोर्ट था वो अच्छा है, हमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग उसको एड्रेस करते हैं, तो वो सारी चीज़ों में सब कुछ बेहतर है, उसमें कोई ऐसा इशू रहा नहीं अभी तक. एंड बात करें बिल्ड लाइक बिल्ड क्वालिटी की एंड जो भी फर्निशिंग वर्क था तो वो भी काफ़ी अच्छा रहा है, तो उसमें भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं है. सारी चीज़ें जो भी लगा है डेकोर लाइटिंग उन सब में प्रॉपर वारंटी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बाकी सारा काम अच्छा रहा. चलिए भैया, थैंक यू सो मच. मुझे बड़ी खुशी है कि आपको घर मिला दिल्ली में. आप आए थे, मैं वही जिक्र कर रहा था कि सेम डे आप आए और मतलब बहुत जल्दी आपने घर फाइनलाइज कर लिया था, है ना? 3 घंटे में कर लिया, हो गया 3 घंटे की हमारी फिल्म थी ये वाली. और 3 घंटे में चलो महादेव की इच्छा से आपको घर भी बिल्कुल एकदम ऐसा मिला जो बेस्ट है, है ना, लोकेशन वाइज भी और बिल्डअप क्वालिटी तो गुरु महादेव हम लोग जो बनाते हैं वो सारा अच्छा ही बनाते हैं. चले भैया, थैंक यू सो मच कि आपने हमें चूज किया, गुरु महादेव रियल एस्टेट को चूज किया. बिल्कुल, आगे भी अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो उसमें हमारा ये जो भी एसोसिएशन है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय भोलेनाथ.